नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी टापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें हम कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना लकड़ी का रावण जो कविता है, इनसे महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, गजानन माधव मुक्तिबोध का ये जो कविता है वो इनके काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा इसमें संकलित है। तो ये लकड़ी का रावण जो कविता है वो चांद का मुँह टेढ़ा में संकलित है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे विगत वाले वीडियो में हमने इसके दो तीन पद देख लिए हैं। चलिए आज हम इस पद को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है कि क्या है ये मेरी ही गहरी उसांस में। कवि क्या कह रहे हैं कि क्या है ये मेरी ही गहरी उसांस में मेरी ही गहरे उसांस में कौन सा है नया भाव, क्रमशः कुहरे की लहरी सलवटें, क्रमशः कुहरे की लहरीली सलवटें मुड़ रही जुड़ रही आपस में गूंथ रही। क्या है ये क्या मजाक है अरूप अनाम इस कोहरे की अग्नित कई आकृति रूप बने रहे बनते से दिखते कोहरेले भाव भरे चेहरे असंख्य असंख्य व उग्र अजीब है अजीबो गरीब है घटना का मोड़ ये अजीब है अजीबो गरीब है घटना का मोड़ ये। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में गजानन माधव मुक्तिबोध की ये जो कविता है, मैंने विगत वाले वीडियो में बताया ये प्रतीकात्मक कविता है और इसमें इसे विगत वाले वीडियो में हमने देखा, पद में देखा कि जो परम ब्रह्म है जो कि एक शिखर के ऊपर ध्यानावस्था में बैठा है, खड़ा है और वह तपस्या कर रहा है और वह परम ब्रह्म है वो जो दृष्टा भोक्ता व्यक्ति है उससे कहता है। क्या कहता है कि परम ब्रह्म कहता है कि मैं ही विराट पुरुष हूँ और मैं और ये जो आकाश है वह पूरे विश्व को पूरी सृष्टि को देखते हैं। ये कौन कहते हैं? परम ब्रह्म दृष्टा भोक्ता से कह रहे हैं। अब इस पद में जो परम ब्रह्म ने बात कही उसको सुनकर के जो दृष्टा भोक्ता व्यक्ति है उसे परम ब्रह्म की बातों को सुनकर के उसकी आत्मा ने क्या अनुभव किया उसका चित्रण इस पद में किया गया है। वह व्यक्ति सोचता है, जो दृष्टा भोक्ता है, जो देख रहा है सब कुछ, एक प्रतीकात्मक स्वरूप में इसमें बताया है पूरी सृष्टि के बारे में कि किस प्रकार से सृष्टि को लक्ष्य करके कवि अपनी अनुभूतियों को यहाँ पर बता रहे हैं एक दृष्टा भोक्ता व्यक्ति के द्वारा। तो वह परम ब्रह्म की बात को सुनता है और सुनकर के क्या करता है, वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है या कहता है प्रतीकात्मक स्वरूप में। तो अब इस पद को हम देख लेते हैं। कुछ शब्दार्थ हैं महत्वपूर्ण, कठिन शब्दार्थ है। उनसांस का मतलब होता है गर्म सांसें, जो कि हृदय से निकलने वाली गर्म सांसें गहरी है। कौन सा नया भाव है, क्रमशः मैंने क्रम से निरंतर लगातार क्रम से कोहरे मैंने कोहरे की लहरीली मैंने लहरदार सलवटें अर्थात परत दर परत परत दर परत रेखाएं मुड़ रही है जुड़ रही है आपस में गूंथ रही है। क्या है मजाक है अरूप जिसका कोई रूप न हो, कोई जिसका कोई रूप न हो या बिना रूप के
अनाम जिसका कोई बिना नाम के, जिसका कोई नाम नहीं हो। कुहरे की अग्नित, अग्नित का मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सके, असंख्य जिसकी गिनती नहीं की जा सके। कई आकृति रूप बनते हैं, बन रहे हैं, बनते से दिखते हैं। कुहरीली का मतलब कोहरे से भरी, कोहरे से युक्त या भरी, भाप भरे चेहरे। असंक का मतलब होता है जिसमें कोई शंका ना हो, अर्थात निर्भय, निडर, शंकाहीन। असंख्य उग्र, अजीब है, अजीबो गरीब है, अनोखा है, अनोखा है। और ये घटना का मोड़, अब देखिए इसका अर्थ हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कभी माधव जी, माधव मुक्तिबोध कहते, गजानन माधव मुक्तिबोध जी कह रहे हैं, तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना लकड़ी का रावण कविता से उद्धृत है, और यह जो कविता इनके काव्य संग्रह चांद का मुटेडा में संकलित है। और इसमें, इस अंश में, इस पद में जब परम ब्रह्म की बातों को सुनते हैं, परम ब्रह्म के कथन को सुनने के बाद में जो दृष्टा भोक्ता व्यक्ति है, वह अपने आत्मा का किस प्रकार से, आत्मा में क्या अनुभव करता है, उसका वर्णन इस पद में किया है। और वह सोचता है, वह व्यक्ति जो दृष्टा है, वह क्या, दृष्टा का मतलब होता है देखने वाला, ठीक है, तो दृष्टा का अर्थ होता है देखने वाला। तो वह दृष्टा व्यक्ति ये मन में सोचता है, अपनी आत्मा में अनुभव करके मन ही मन कहता है इस प्रसंग में, कि जब परम ब्रह्म में कहता है कि मैं विराट पुरुष हूँ, मैं और ये महाआकाश पूरी सृष्टि को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा, ये कंबल है कोहरे का, वो चारे और जो है अपने उसमें ऐसा लगता है कोई प्राणी छुपा हुआ है, वह हिलता है, करवट लेता है, तो इस प्रकार की बातें वो कहते हैं। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी दृष्टा अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं कि क्या है ये, मेरी ही गहरी उसांस में कौन सा है नया भाव। क्रमशः कोहरे की लहरीली सलवटें मुड़ रही है, जुड़ रही है, आपस में गूंथ रही है। अब देखिए जो कोहरा है वो चारों ओर फैल चुका है, तो उसमें परम ब्रह्म का जो कथन है, उस कथन को सुन करके, समझ करके वह दृष्टा जो व्यक्ति है, वह सोचने लगता है प्यारे विद्यार्थियों कि ये क्या है, ये क्या बात है, क्या है ये क्या बात है। जब ये परम ब्रह्म अपनी बातें बताता है तो उससे वो दृष्टा व्यक्ति सोचता है कि ये क्या बातें हैं। मेरी ही गहरी उसांस में कौन सा नया भाव, अर्थात गहरी उसांस का मतलब हृदय में, मेरे हृदय से उठने वाली गर्म जो सांसें हैं उनमें एक नया भाव अनुभूत हो रहा है, नया भाव उत्पन्न हो रहा है, इसका क्या कारण है। वह सोचने लगता है कि ऐसी क्या बात है, ये कैसी अनुभूति है, कैसा अनुभव है कि मेरे हृदय में इस प्रकार के नए नए भाव जन्म ले रहे हैं। ये सब मेरी ही गहरी उसांसों का, या मेरी गहरी उसांस में, मेरे हृदय में ये नया भाव कौन सा है, ये स्वयं कौन कह रहा है, दृष्टा सोच रहा है कि मेरे हृदय में ये नया भाव, कौन सा नया भाव उत्पन्न हो रहा है, ये कैसा नया भाव है। क्रमशः कोरेली, कोहरे की लहरीली सलवटें मुड़ रही है, जुड़ रही है। और तब दृष्टा व्यक्ति कहता है कि तब मैंने देखा कि ये जो घना कोहरा है, इस घने कोहरे की ये जो लहरीली यानी लहरदार, ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी जो लहरें बन रही है, किसकी, कोहरे की, जो कि शिखर तक छू रही है, पूरी सृष्टि में छा रही है। तो इसे जो कोहरा है यानी अज्ञानता, बुराइयों का कोहरा, इसको प्रतीकात्मक रूप में बताया है। तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा जो कोहरा है, उसकी जो सलवटें हैं यानी परत दर परत जो रेखाएं बन रही है, सलवटें बन रही है, वो कभी आपस में मुड़ रही है, कभी आपस में जुड़ रही है, मुड़ रही है, जुड़ रही है, इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुए हैं। तो दृष्टा कहते हैं कि यहाँ पर जब मेरे हृदय में एक नया भाव कौन सा, ये प्रश्न जब उठता है उसके हृदय में कि आखिर मेरे हृदय में नया भाव कौन सा उत्पन्न हो रहा है, तब दृष्टा देखता है कि ये जो कोहरे की ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी लहरदार जो सलवटें या परत दर परत जो रेखाएं बन रही है, उसका कारण क्या है, या ये इस प्रकार से आपस में वो मुड़ रही है, जुड़ रही है और आपस में गूंथ रही है। और ये जो कोहरे की, कोहरा जो है उसकी टेढ़ी मेढ़ी
जो रेखाएं बन रही है, सलवटे बन रही है, वो आपस में ही स्वयं ही गूंथ रही है, एक दूसरे में मिल रही है, गूंथ रही है। और क्या है ये, इस प्रकार से ये जो दृष्टा है वो ये देख करके सोच रहा है, यहाँ आपस में परते दर परते का मतलब बुराइयाँ, अज्ञानता, अज्ञानता और बुराइयाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई लग रही है। समाज में जो विषमताएं फैल रही है वो अज्ञानता के कारण, बुराइयाँ जो बढ़ रही है उसके कारण। तो अज्ञानता से बुराइयाँ एक बुराइयों के बाद बहुत सारी, एक के बाद एक जो बुराइयों रूपी जो परतें हैं वो एक साथ गूंथ रही है, जुड़ रही है, ये इसका अर्थ भाव ये कहना चाहते हैं कवि। तो इस दृश्य को देख करके मुझे आश्चर्य होता है, कवि को यानी जो दृष्टा व्यक्ति उसको आश्चर्य होता है कि आखिर है क्या ये, क्या है ये। तो इस प्रकार से दो विस्मयादि बोधक चिन्हाएँ हैं। तो क्या है ये, जोर देकर के बात कही जा रही है कि वह आश्चर्य करता है कि ये आखिर है क्या, ये क्या मजाक है। अरूप अनाम इस कोहरे की लहरों से अग्नित अग्नित कई आकृति रूप बने रहे बनते से दिखते हैं। कि आखिर क्या ये कोई मजाक है, दृष्टा क्या सोच रहा है कि ये जो लहरों का इस प्रकार से, कोहरे के लहरों का इस प्रकार से बनना, आपस में मिलना, गुथना, मुड़ना, जुड़ना, क्या ये वास्तव में कोई मजाक है, ये कैसे घटित हो रहा है, क्या ये कोई हास्य विनोद है, मजाक है। कि ये जो अरूप, जिसका कोई रूप नहीं है, इस कोहरे का कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, अनाम है, बिना नाम का, बिना रूप का, ये जो कोहरे की जो लहरें हैं जो कि असंख्य रूप में है, कोहरे की संख्या नहीं है, अनिश्चित है, असंख्य है। तो ये कोहरे की जो असंख्य लहरें हैं, लपटे हैं, वसंग के रूप आकृतियां बन रही है, उस कोहरे से अनेक प्रकार की आकृतियां बन रही है। उस कोहरे को, जो सफ़ेद रंग का जो कोहरा है उसको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी उस कोहरे से आकृतियां बन रही है। तो ऐसी घटनाएं कैसे हो रही है, क्या कैसा मजाक है, ये रूपहीन बिना नाम की ये कोहरे की जो परतें हैं, लपटे हैं, वो इस प्रकार से लहरें हैं, ये जो लहरें हैं वो असंख्य रूप में कई आकृतियों को जन्म देती है, कई आकृति रूप है वो बनते हैं, बन रहे हैं, बनते से दिखते जाते हैं। तो इस कोहरे से कई रूप बनते हैं, बिगड़ते हैं, मिट जाते हैं। कोहरे की जो धुएं से आकृति बनती है तो वो कैसी बनती है, कभी वो आकार में कुछ किसी भी प्रकार का आकार वो ले लेती है, रूप आकृतियाँ बन जाती है, फिर से मिट जाती है, बिगड़ जाती है। तो इस प्रकार से कई रूप आकृतियाँ कोहरे से बनते हैं और उसके बिगड़ते हुए रूप को, आकार को देख करके ऐसा लगता है, और जब कोहरा विचित्र आकार में परिवर्तित हो जाता है तो उससे कई प्रकार के, कवि को यहाँ पर ऐसा लगा है। यहाँ पर कोहरे के विचित्र आकार का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, समाज में तरह तरह की जो बुराइयाँ हैं, जो विडम्बनाएँ हैं, बुराइयाँ हैं, विषमताएँ हैं, उनका आकार बढ़ता जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा किसी भी रूप में, यानी बुराइयों का जब गठजोड़ होता है, मिलन होता है, तो वो बहुत सारी अनेक बुराइयाँ मिलकर के विकृत रूप ले लेती है, भयानक रूप ले लेती है। वो यहाँ पर कवि यहाँ कहना चाहते हैं इस कोहरे के माध्यम से, जैसे कोहरे का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वो कोहरे कोहरा है, वो कई रूपाकृतियों में विभक्त हो जाता है, कई रूपाकृति उसके बन जाती है, भयानक आकृति करके बिगड़ती जाती है, उसका कई रूप आकार है वो लगने लग जाता है, और ऐसा लगता है कोई अजीब खेल चल रहा है, कोई अनोखा खेल है ये। और उसे अनेक कोहरीले भाप भरे चेहरे, उससे कोहरे के भरे हुए भाप भरे, कोहरे से निर्मित जो कई चेहरे आकृतियां उभर रही है, जो कि क्या है, असंख्य है, असंख्य है, उग्र है, ये जो कोहरे से बनी हुई जो आकृतियाँ हैं वो अनेक प्रकार के चेहरों का निर्माण करती है, अनेक आकृतियाँ उभर रही है, यानी समाज में लोग है वो बुराइयों को ग्रहण कर करके, और वे ही जो लोग हैं वो तरह तरह के इन बुराइयों को ग्रहण करके क्या करते हैं, जैसे ये कोई मैं प्रतीक रूप में चित्र बना करके आपको समझा रहा हूँ, जैसे ये बुराइयाँ, ये बुराई का कोई स्वरूप है, ठीक है, ये कोहरे कोहरा है, इस कोहरे से कई प्रकार की आकृतियाँ बन रही है, और इस कोहरे की बनी हुई आकृतियाँ बड़ी भयानक हो रही है। और ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसमें बुराइयाँ वो इसको ग्रहण करता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल करके इसमें इनमें कई बुराइयाँ अगर समाहित हो गई है, तो यही जो व्यक्ति है वो तरह तरह के बुरे कार्यों में इस प्रकार से लीन हो जाता है कि जिसको देख करके ऐसा लगता है कि ये अजीब बन गया है।
अजीब वो गरीब स्थिति इसकी हो गई है। तो इस तरह से कोहरे के लपटीले आकृतियों के बनने से बिगड़ने से ऐसा दृश्य तैयार हो जाता है कि जिसको देख करके कवि या वो जो दृष्टा व्यक्ति कहता है कि ये बड़ा अजीब अजीब है, अजीबो गरीब लगने लगता है। और ये एक तरह से घटना का मोड़ है, अर्थात ये बुराइयां जो व्याप्त हो जाती है समाज में, तो इस प्रकार से नई घटनाओं का मोड़ वो देती है, तरह तरह की विकृतियाँ समाज में आती है, जैसे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, हिंसा, लूटपाट, चोरी, झूठ बोलना, लाचारी और कई प्रकार की जो अशिक्षा है, अनीतिपूर्ण व्यवहार है, लोगों का स्वार्थपूर्ण व्यवहार है, ये सब बुराइयां हैं। और ये व्यक्ति के अंदर जो कोहरे की भांति ये जो है भीतर समा जाती है, तो व्यक्ति वो जो अच्छा व्यक्ति है वो भी जब उस बुराइयों की चपेट में आ जाता है और वो उसको ग्रहण कर लेता है, तो वो खुद भी उसको पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, अर्थात उसके जो स्वरूप है, उसका व्यवहार है, वो बदल जाता है और वह समाज का एक अच्छा नागरिक न बन करके समाज को बिगाड़ने वाला बन जाता है, समाज को दुख देने वाला बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसी जो आकृतियाँ हैं वो बनती है, बिगड़ती है और ऐसा दृश्य अजीब व गरीब लगता है, और इस प्रकार से ये घटना को नया मोड़ देते हैं, अर्थात जहाँ समाज में सुख शांति व्याप्त हो और उस समय ऐसी व्यक्ति के अंदर ये बुराइयाँ व्याप्त हो जाए, तो वह समाज की स्थिति को मोड़ देती है, समाज की शांति सुख शांति चैन को छीन कर देती है। इस प्रकार से ये आश्चर्यकारी घटनाएं बन जाती है, तो इस प्रकार से नई घटनाओं का मोड़ बन जाती है, अर्थात ऐसी घटनाएं एक नया मोड़ लेती है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, समस्त सृष्टि को लक्ष्य करके कवि अपनी अनुभूतियों का वर्णन यहाँ पर कह रहे हैं। सारी सृष्टि को लक्ष्य किया जा रहा है कि सृष्टि में जो बुराइयां रूपी कोहरा, अज्ञानता रूपी कोहरा फैल रहा है, उससे तरह तरह की भयानक आकृतियाँ बन रही है, अर्थात जो मनुष्य के भीतर समाहित होकर के बुराइयाँ अज्ञानता वो तरह तरह के उस मनुष्य को आकृति प्रदान कर रही है, अर्थात वह व्यक्ति अपने उस बुराई के बल पर तरह तरह के कुव्यवहार लोगों से करता है, समाज में अशांति फैलाता है, समाज के लोगों को जो है दुखी करता है, कष्ट पहुंचाता है। तो ऐसे यहाँ पर उस सृष्टि के लक्ष्य को करके कवि ने अपनी अनुभूतियों का चित्र प्रस्तुत किया है। प्रतीकात्मक योजना है, ध्यान रखना योजना कैसी है, प्रतीकात्मक अभिव्यंजना हुई है, योजना हुई है, अनुप्रास रूपक अलंकार यहाँ पर हो रहा है प्राप्त, अनुप्रास रूपक अलंकार है, साथ ही साथ तद्भव तत्सम तद्भव शब्दावली मिश्रित पद है, ये तत्सम तद्भव शब्दावली से मिश्रित ये जो पद है भावानुरूप है, भावानुभूति प्रकार है, या विशेष वाले पॉइंट में आपको लिख देना है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों पद समझ में आ गया होगा, हालांकि ये आपकी इस पाठ का इस आधुनिक काव्य की जो किताब है ये सबसे कठिन कविता है, क्योंकि समझने में थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि इसमें दार्शनिकता और प्रतीकात्मकता का स्वरूप है। तो आपको यूँ समझना है प्यारे विद्यार्थियों, एक मोटी मोटी बात यही है कि कोहरा क्या है, बुराइयाँ और अज्ञानता का प्रतीक है, मैंने कहा प्रतीकात्मकता का स्वरूप है, पर एक ऐसा दृष्टा व्यक्ति है जो ये देख रहा है सब समाज में, यानी कवि को हम मान सकते हैं कि वह दृष्टा है और वह समाज में पहली इन बुराइयों को अज्ञानता को देख रहा है, और उस अज्ञानता को देख करके कवि मन में सोच रहा है कि ये जो जैसे कोहरा वो बदल करके तरह तरह की आकृतियाँ बना रहा है और वो आकृतियाँ बड़ी भयानक है, डरावनी है, ऐसे ही समाज में कोहरा ये जो अज्ञानता रूपी जो कोहरा है, बुराइयां रूपी जो कोहरा है, वह अच्छे खासे समाज में जब फैल जाती है तो उससे प्रभावित जो लोग हैं वो तरह तरह की गतिविधियां करते हैं जिससे लोगों की जो और जनमानस है उनको अशांति होती है, उनको दुख पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से कवि यहाँ पर दृष्टा भाव से, देखने के भाव से ये सोचता है कि ऐसी अज्ञानता और बुराइयों से भरा समाज जब व्यक्ति से युक्त हो जाते हैं तो वह तरह तरह के बुरे व्यवहार करता है और उससे सारा जो समाज है वो दुख प्राप्त करता है, और ऐसे लोग दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, कोहरे की भांति उनकी आकृतियां भयानक होती जा रही है, उनका समूह है बढ़ता जा रहा है, बुरे बुरे जो लोग हैं उनका समूह है बहुत जल्दी बन जाता है, अच्छे लोग हैं वो एक साथ जुड़ना पसंद कम करते हैं, ये विडम्बना है, विद्वान लोग होते हैं वो कभी एक साथ नहीं बैठ सकते, जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी एक साथ बैठने में उनको संकोच होता है, वो एक साथ मिलते नहीं हैं जल्दी से, उनमें वो अपने ज्ञान का अहम भाव होता है, वो नहीं बैठ सकते, लेकिन बुरे लोग हैं वो आपस में गूंथ जाते हैं, बहुत जल्दी गूंथ जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के स्वरूप में बताऊँगी, जैसे कोई शराबी व्यक्ति है
तो वह किसी दूसरे अनजान गांव में भी जाएगा, अनजान शहर में भी जाएगा, तो दूसरे शराबी व्यक्ति को ढूंढ ही लेगा और उनकी काफ़ी अच्छी है वो जोड़ी बन जाती है, मिल जाते हैं। बुराइयां बहुत जल्दी मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि एक कोहरे की भांति बुराइयों को बढ़ता हुआ स्वरूप माना है और समाज में दुख देने वाला स्वरूप माना है कि जितने अधिक समाज में बुराइयां बढ़ेगी दुख बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी, विषमता बढ़ेगी। इसी को प्रतीकात्मक स्वरूप में ये लकड़ी का रावण बनाया है। जैसे रावण है बुराई का प्रतीक है, समाज को दुख देने वाला व्यक्ति को व्यक्तिवादी जो सभ्यता है उसको पीड़ित करने वाला माना है, तो ऐसे ही ये कोहरा है, अज्ञानता बुराइयां हैं वो समाज में व्याप्त होकर के दुख ही देती है, कष्ट पहुंचाती है और समाज के लोगों का सुख चैन है वो छीन लेती है। तो इसका स्वरूप यहाँ पर बताया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा, तो ये प्यारे विद्यार्थियों आप उसको ठीक प्रकार से पढ़े समझे। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इस पद को ठीक प्रकार से पढ़े समझे अर्थ ग्रहण करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, नोट्स बनाकर याद भी करें और जय भारत जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।